जैन सभी बहनों को, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका सिलेक्शन 101% होगा, क्योंकि बहुत से बहनों का पर्सनल मैसेज आ रहा था कि उनको इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो घर के काफ़ी जिम्मेदारी उनके पे आ गई। वो कह रहे कि मैं प्राइवेट जॉब अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं अभी एग्ज़ाम का वेट करें। तो सभी को मेरा सजेशन है, बस 1-2 महीना और है आपके पास, सीरियस होकर लग जाइएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी सच में। और जिन लोग के नंबर कम आ रहे हैं, वो वीडियो इन्हीं के लिए लाया हूँ स्पेशल, कि बस आप जैसे मैं बताऊँगा वैसे आपको सीरियस होकर पढ़ना है, किस हिसाब से आपको कौन से सब्जेक्ट पे टारगेट करना पड़ेगा, सबके लिए इसमें एक ही वीडियो में सोल्यूशन है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि आपको किस सब्जेक्ट में किस हिसाब से टारगेट करना चाहिए। देखो, मैं 100% का आपका टारगेट लेके चल रहा हूँ, 100 क्वेश्चन में तो आपका सिलेक्शन 101% है। बाकी लोग जो इससे अच्छा कर सकते हैं तो उनका 110 पहुँच जाएगा, 115 पहुँच जाएगा, 120 पहुँच सकता है, लेकिन मैं 100 की बात कर रहा हूँ। 100 तो जो है थोड़ा अच्छा है, तो वो और अच्छा कर सकता है। जितना मैं टारगेट रखूँ उससे आप 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट में प्लस कर सकते हैं। तो पहला मेरा टारगेट है जिनको मैथ थोड़ा बहुत आती है उनके लिए, हिंदी में आपको 30 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना, रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन का, और GS में आपको 20 क्वेश्चन का, और मैथ में आपके 10 क्वेश्चन। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। अब इसमें से आप हिंदी में जैसे 2+ कर लिए, रीजनिंग में 3-4 कर लिए, GS में 2-3 कर लिए, मैथ में भी 2-3, तो इनका 110+20 क्वेश्चन जा सकता है, ये तरीका। अब जिनको मैथ नहीं आती है उनके लिए जैसे आपको क्या करना होगा, रीजनिंग हिंदी में आपको 32 क्वेश्चन का टारगेट, रीजनिंग में आपको 45 क्वेश्चन का टारगेट, GS में आपको 25 का टारगेट, और मैथ में आपका 0। लेकिन अगर आप कुछ भी करेंगे तो मैथ में आपके 3-4 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट। इस हिसाब से आपको टारगेट लेके चलना है। अब आपको पढ़ाई कैसे करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ, और कहाँ से पढ़ना है, किस किताब से आप पढ़ें कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, आप जब भी पढ़ने बैठे, आप जिस हिसाब से आज से मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो बना दी, आप कल से आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एक, जैसे आप रात में सोने जाते हैं उसके पहले आपको एक अपना इसी टाइप के, जैसे मेरे पास ये नोट्स है, इतना आपको बना लेना है, ठीक है। अब इस पर क्या करना है आपको, जैसे आपको शाम को सोते हैं उसके पहले अपना एक नोट्स बना लीजिए कि मुझे कल दिन में ये पढ़ना है। हिंदी में जैसे आपको डेली अब एक चैप्टर का टारगेट लेके चलना, आपको कम से कम 2 घंटे तो देना पड़ेगा हिंदी में। एक टारगेट लिख लीजिए कि आपको मुझे कल ये हिंदी में पढ़ना है, और रीजनिंग में मुझे कल पढ़ना है, GS में मुझे कल ये पढ़ना है, मैथ में मुझे ये पढ़ना है। ये आपने ले लिया अपना टारगेट। आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो आपका टारगेट ये रहेगा कि मुझे आज ये कम्प्लीट करना है। जब तक आपको रात में वो टारगेट नहीं कम्प्लीट हो जाता है, आपको सोना नहीं। टारगेट आप कुछ भी रखें उसको कम्प्लीट करना किसी भी कीमत में, क्योंकि जब तक आप टारगेट नहीं कम्प्लीट करेंगे तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ये था आपका टारगेट। अब बात करें कि आपको हिंदी कहाँ से पढ़े और किस हिसाब से पढ़े। देखो, हिंदी के लिए हमेशा से मैंने एक बुक की बात की है, ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, राजपाल की, जिनके पास है उनको पता होगा कितनी अच्छी बुक है, और जिनको लेना भी है तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी नया संस्करण आने वाला है जल्द, और आपको टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको हिंदी में क्या करना है, इसी से आपको जो आप टारगेट रखेंगे, डेली आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करना है। थ्योरी आप कंप्लीट करते हैं अपने हिसाब से तो आपको अलग समझ, जैसे मैंने इसमें क्या रखा है कि हाईलाइट किया रखा हूँ, जैसे कुछ क्वेश्चन है कि मैंने देखो हाईलाइट कर रखा हूँ, जैसे आप हाईलाइट कर लीजिए। आपके पास जो भी बुक हो, आदित्य की भी बुक आपको PDF मिल जाएगा, सबकी बुक का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक। आप उसको करिएगा, जैसे थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब थ्योरी पढ़ लेते हैं तो जो थोड़ा बहुत आपके डाउट बचते हैं वो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व हो जाते हैं। आपको वहाँ पता लग जाता है कि आपके किस टाइप के हिंदी में क्वेश्चन आते हैं। तो ये ज़रूरी रहता है कि आप थ्योरी पढ़े, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपका चीज़ें नहीं कवर होंगी, ये रहता है आपको। अब आपने हिंदी को कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस बार आपको हिंदी भाषा का विकास में जो आपको होता है कि ये हड़ौती बोली कहाँ से है, ये कन्नौजी हो गया, बहुत सी ऐसी भाषाएं जो पूछा जाता है, तो इससे आपका 1-2 क्वेश्चन तो तय है। दूसरा आपका फोकस करना पड़ेगा इस बार रचनाएं। आपने देखा होगा कि अभी इस बार आपकी रचनाएं नहीं आई थी, तो रचनाएं इस बार आप पढ़ लीजिए, अच्छी खासी रचनाएं आपकी आनी है। रचनाएं आप कहाँ से कर सकते हैं, जो कि आपके PYQ में
आपके इसी बुक में दिया है, चाहे आप UPSI को, अभी आपके हाल ही में रेडियो ऑपरेटर के जो एग्ज़ाम हुए थे उसकी आप पढ़ लीजिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे आपके रचनाओं से, तो वहाँ आप एक बार देख लीजिए, उसका भी आपको सब कुछ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वो दूसरा, अब तीसरा आपको व्याकरण, क्योंकि व्याकरण से ही आपके 70% क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको करना है, व्याकरण अच्छे से पढ़ना, क्योंकि व्याकरण से ही क्वेश्चन आपके आते हुए गलत होते हैं। तो डेली क्या क्या करना है, एक चैप्टर, फिर उसके बाद रिवीजन, आपको 6 दिन ये प्रक्रिया करनी है। अब 7वें दिन क्या करना है कि आपको टारगेट में क्या करना है, 6 दिन आपने ये पढ़ लिया, 7वें दिन आपको जो 6 दिन आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करें, ताकि आप भूलेंगे नहीं जो आपने 6 दिन में पढ़ा है, तो आपको याद हो जाए कि माइंड में मैंने ये पढ़ा था। आप क्विक रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब 7वें दिन क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करना, आपको 7वें दिन को थ्योरी थोड़ी जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना रहेगा। ये होता है पढ़ने का तरीका, तभी आपका हिंदी मजबूत होगी और अन्य सब्जेक्ट में भी आपको ऐसे करना। तो ये 6 दिन लगातार पढ़ना, 7वें दिन आपको टारगेट को रिवीजन करना, ये तरीका। अब बात करें आपके रीजनिंग की, रीजनिंग में कोई बुक आपके लिए बेस्ट है, सब बुक, कोई ख़राब बुक नहीं, मैंने सबकी PYQ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चाहे जिसकी आपको चाहिए। रीजनिंग में कोई, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में आपको किताब की ज़रूरत नहीं, कोशिश करें जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं उनकी प्रैक्टिस आए क्वेश्चन उनको सॉल्व करें, और उसमें जो आपके मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, अब उसमें जैसे आप हिंदी की बात करें, मैं हिंदी में अगर आपको जिनको दिक्कत आ रही है, वो लोग जैसे विवेक सर की क्लास पढ़ी है यूट्यूब पे, नवीन सर की भी जो कराया था प्रैक्टिस, उस पर आप एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, वहाँ सुन के आपके थ्योरी के कुछ भी क्वेश्चन मिल सकते हैं और थोड़ा बहुत, तो उनकी वीडियो प्लेलिस्ट पड़ी होगी, आप यूट्यूब पे जाइएगा, आप ही करवाए थे एग्ज़ाम में आपके। आप ये मत सोचिए कि वो पुरानी क्लास हो गई, पुरानी नहीं है, वो जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आते हैं, क्लास पुरानी नहीं, लोगों का भ्रम हो जाता है कि पूरा क्लास पुरानी हो गई है, इसको मैं नहीं देता हूँ, तो पढ़िए वहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कथन निष्कर्ष, जो कि सबसे ज़्यादा गलत भी होते हैं, और उसका एक ही सल्यूशन है भाई, दीपक चौधरी एग्जामपुर के, अगर कथन निष्कर्ष आप वहाँ से पढ़ लेते हैं ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कथन निष्कर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, केवल कथन निष्कर्ष, और बाकी के लिए आप RW के संदीप सर से पढ़ सकते हैं, वो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं आप उनकी, क्योंकि वो जिस भाषा में पढ़ाते हैं, जो आपके आप जिससे जुड़े हैं, तो आपको अच्छा समझ में आता है, देसी भाषा जिसको बोलते हैं, तो आप उनसे बाकी चैप्टर पढ़ सकते हैं, जैसे वहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दिशा परीक्षण हो गया, रैंकिंग क्वेश्चन, घड़ी, पासा, कैलेंडर, ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके आपको थ्योरी बार बार पढ़ना ही रहता है, जैसे आप कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन देखना रहता है, आपके पासा के भी हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बार बार किताबों से पढ़ना रहेगा, और उनकी प्रैक्टिस क्या है, आपकी यूथ की बुक आती है, पूरा रीजनिंग का दिया रहता है, आपके सारे चैप्टर के हैं PDF, आपको टेलीग्राम पे है, अवेलेबल है, वहाँ से आप डेली एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। आप टारगेट ले लीजिए 6 दिन आपको रीजनिंग में ये चैप्टर पढ़ना है, और 7वें दिन आपको सारे चैप्टरों की रिवीजन करना है, तभी आप बेस्ट बन पाएंगे, ऐसे ही करेंगे तभी आप सबसे बेस्ट बन पाएंगे। और तीसरा मैं बात करूँ आपके GS की, देखो GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका अथा संग्रह, कोई अपने को चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं इससे इतना बटे उसमें इतना स्कोर, क्योंकि GS आपके डिपेंड करती है किस हिसाब से आती है, लेकिन GS में कुछ इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर हैं जो कि यूपी प्लेस में वहाँ से एक क्वेश्चन लगभग आपके हर बार आते ही आते हैं, आपने इस बार भी दिया होगा एग्ज़ाम तो उसमें भी आए थे, मैंने ये लिस्ट वैलिड है, तो आपको जैसे मैंने किताब बताई थी, क्योंकि ये NCERT की है, अब बहुत से लोग लूसेंट कहेंगे, लूसेंट भी अच्छी थी लेकिन पहले अच्छी थी, लूसेंट का भी PDF आपको मिल जाएगा, इस बुक का भी आपको PDF मिल जाएगा, क्योंकि लूसेंट में क्या NCERT बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन किताबों में क्या NCERT जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लूसेंट में क्या पुराने टाइप के आपके, ये चीज़ें, तो आपको पढ़ना क्या है, जैसे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर की तो लिस्ट देख रहे हैं उनको तो आपको पढ़ना ही, और GS पढ़ने के क्या तरीका होता है कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव भी बुक अगर जिसको परचेस करना है तो कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे लूसेंट की PDF पढ़िए, वहाँ से भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि GS पढ़ने का कोई भी चीज़ हो, अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, तो पहले थ्योरी फिर ऑब्जेक्टिव, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, तब आपके माइंड में सेट हो जाएगा क्वेश्चन। तो यही टारगेट में आपको डेली रखना है, जैसे
आपका लगभग जिस हिसाब से आप टारगेट रखेंगे तो एक महीना में आपका जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका हिस्ट्री 3 पार्ट में है, हिस्ट्री को आप लगभग मान के चलिए 6 दिन का टारगेट रखेंगे तो 6 दिन में आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। जैसे प्राचीन भारत है आपको 2 दिन में उसको कंप्लीट करना, मध्यकालीन में 2 दिन में, क्योंकि मध्यकालीन से आपको क्वेश्चन कम आते हैं, ज़्यादातर आपके आधुनिक और प्राचीन से ज़्यादा बनते हैं। तो कोशिश करें कि मध्यकालीन को कम पढ़िएगा, आधुनिक पे ज़्यादा फोकस करिएगा और प्राचीन को, वहाँ से क्वेश्चन आपको मतलब इस हिसाब से पढ़ेंगे, टारगेट सेट करेंगे। उसके बाद आपके 7वें दिन जब आता है उसका रिवीजन करेंगे पूरा टारगेट है। यही आपका पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि आपके चीज़ें माइंड में सेट होंगी, सीरियस होकर पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और इस पर जैसे मैंने बताया कि आपका यूपी जीके की PDF मिल जाएगी, कहीं आपकी किताबें हैं, चाहे यूथ की पढ़ लीजिए, चाहे परीक्षा वाणी हो गए अंकित भाटी सर की है, तो कोई भी किताब ले लीजिएगा यूथ की, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर कोशिश करें कि यूथ की ही पढ़े, क्योंकि यूथ में आपके प्रीवियस ईयर दिया रहता है, जो सारे एग्जामों में आपके UPPCS लेवल तक के UPGK के जो क्वेश्चन पूछे गए और अन्य एग्जामों के तो दिए हैं, तो आप माइंडली उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि UPGK के आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो आना तय है। अब बात करें करंट की, तो स्पीडी की अभी मैंने लेटेस्ट PDF डाली है, उसको जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि करंट का भी आपका काफ़ी रोल होता है 5 से 6 क्वेश्चन का, तो वो पढ़ लीजिएगा, आपका उतने में काम हो जाएगा, क्योंकि यही आपका GS पढ़ने का तरीका होता है। तो GS अगर आप बेस्ट करेंगे तभी आपका GS बेस्ट होगा, क्योंकि GS से जितना दूर भागेंगे उतना आपकी GS ख़राब होगी, तो GS को पढ़ना पड़ेगा, यही है तरीका आपका GS का, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। अब बात करें आपके मैथ, देखो आप लोग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ की है। मैथ को बेस्ट करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले बेसिक मजबूत करें, तो बेसिक अगर आप थोड़ा सा मजबूत कर लेंगे और थोड़ा सा अपने पे कॉन्फिडेंस लाएंगी तो आप अच्छा कर सकती हैं, लेकिन आपको पहले बेसिक मजबूत करना। बेसिक के लिए आपकी इंस्पेक्टर 40 बुक है, उससे आप बेसिक कंप्लीट कीजिए, उसका PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा, अभी आपके पास लग रहा है कि मेरे पास अच्छा समय है, मैं पढ़ाई में 12 से 15 घंटा दे रहा हूँ 10 घंटा, तो आप एक काम करिएगा, YouTube पे आदित्य रंजन सर की वीडियो पड़ी है, जो कि आपके 0 से बेसिक तक, आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ से आपके जो इम्पोर्टेंट मैथ के चैप्टर हैं जो कि आपको स्ट्रेंथ, वहाँ से अगर आप परसेंटेज, सरलीकरण, नंबर सिस्टम ये चैप्टर पढ़ लेती हैं तो आपके 8-10 क्वेश्चन से वहीं आपकी मोहर लग जाएगी, बस आपको उसको पढ़ना है। मैथ में कोशिश करें कि हर चैप्टर के आपको फॉर्मूले पता होने, जैसे साधारण ब्याज है उसका क्या फार्मूला है, आपका साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ये आपको फार्मूला पता होता है। और क्वेश्चन भी कभी इजी ही आते हैं आपके, जैसे 20 क्वेश्चन हैं तो 10 क्वेश्चन आपके फार्मूले पे आते हैं, जहाँ आपको केवल वैल्यू पुट करना रहता है इधर से उधर और आपका आंसर आ जाता है, तो आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। बस उससे डरना नहीं है मैथ के, क्योंकि आप कहेंगे कि मुझे मैथ से डर लगता है, मैथ से डर कैसे लगता है, मैथ से मुझे भी पहले डर लगता है, यकीन नहीं मानेंगी। मैं मैथ में जब अर्थमेटिक पढ़ने बैठा था, एयरफोर्स की स्टार्टिंग में तैयारी कर रहा था, तो मैं डरता था क्योंकि वहाँ कोचिंग में मार पड़ते थे, तो मुझे अर्थमेटिक नहीं आता था। मैं धीरे 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 करके अर्थमेटिक पे कमान संभाली, आज सबसे मजबूत सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे आप भी कर सकते, अभी आपके पास समय कम है तो आप उस हिसाब से तैयारी करें कि कर सकती हैं, समय दें, ऐसा नहीं कि आप 3 सब्जेक्ट लेके चले। मैथ में भी अगर लेंगी तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप वीक पढ़ रही हैं तो मैथ आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, ये होता है आपका। तो चीज़ें आप कर सकती हैं बेस्ट, और बेस्ट तरीके से आप अपना योगदान दे सकती हैं। आपको डेली आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, आपके जैसे अभी आदित्य रंजन सर की मैराथन भी पढ़ी थी 21 दिन 21 चैप्टर वाली, तो आप उससे भी कंप्लीट कर, लेकिन उसमें आपका बेसिक क्लियर होगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी, तो बेसिक नहीं क्लियर है तो नहीं समझ में। तो बेसिक के लिए प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको सर्च कर लीजिएगा आदित्य रंजन सर मैथ बेसिक प्लेलिस्ट, तो आप उससे कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, तो वीडियो को पूरा देखे होंगे तभी चीज़ें समझ में। और ऐसे क्वेश्चन मत करना कि जो कि मैं जवाब ना दूँ, ऐसे अगर क्वेश्चन जो वीडियो में मैंने बता दिया वो क्वेश्चन का जवाब मैं कमेंट में नहीं दूंगा, अगर आपके अदर क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका 101% रिप्लाई दूंगा। और कोई भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको व्यक्तिगत आपकी जो भी समस्या रहेगी उसका समाधान कर सकता हूँ। बाकी बेस्ट अपना करते रहें, एग्ज़ाम आपका लगभग 45 दिन का मैंने टारगेट बना दिया है आपका, इतने में आप कर सकती हैं और आपका सिलेक्शन
101% होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। जैसे मैंने बताया है वैसे आपको पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। भ्रम में ना रहें, रेगुलर तैयारी करें और कंटिन्यू अपने आप पे भरोसा रखें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और मन में एक जुनून होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कि मेरा नंबर कम आ रहा है तो मेरा नहीं। पहले आप सिलेबस कंप्लीट करें और उसको अच्छे से रिविज़न करें, तभी आपके नंबर गेन होंगे और आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट सभी को।